गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। आज हम कोरल रीफ के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड इसमें हम मेनली तीन सब हेडिंग्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, देन कंडीशंस फॉर कोरल रीफ फॉर्मेशन, एंड थर्ड कोरल रीफ लोकेशंस इन इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सो कोरल रीफ हमने पढ़ा था कि तीन टाइप्स के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटोल। फर्स्ट इज फ्रिंजिंग रीफ। कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे लैंड हो गई खत्म एंड आगे समुद्र शुरू हो रहा है, तो कुछ किलोमीटर्स इनटू द ओशन समुद्र इतना गहरा नहीं होता, फिर वो एक पॉइंट पे आके एकदम से गहरा हो जाता है, एकदम से स्टीप हो जाता है। इस पॉइंट तक समुद्र की डेप्थ नियरली 200 मीटर रहती है। देयरफॉर अंटिल दिस पॉइंट आपको कोरल रीफ मिल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ कोरल फॉर्मेशन में ये जो ब्लैक लाइन है, बिल्कुल इसके ऊपर छोटे छोटे कोरल्स एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, बसना शुरू कर देंगे। तो जब आप ऊपर से देखोगे, आपको साफ पानी में से दिखाई देगा कि इसके नीचे कोरल्स हैं, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, दे आर स्टिल अंडर वाटर। तो इस टाइप के जो अंडर वाटर कोरल्स होते हैं, जो बिल्कुल शोर के पास से दिखाई देते हैं कुछ दूरी तक, उन्हें कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अब इन्हें फ्रिंजिंग रीफ ही क्यों कहते हैं? फ्रिंज का मतलब होता है झालर या फिर कोई फ्रिल, जैसे कि किसी बच्चे के स्कर्ट में फ्रिल होती है, या फिर किसी कर्टन में, चद्दर में फ्रिल्स लगा दी जाती हैं उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसी तरीके से जब आप एरियल व्यू देखोगे, हवा में से इसको देखोगे, माउंटेन को, लैंड के टुकड़े को जिसके पास कोरल रीफ ऐसे बनना शुरू हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि उस लैंड के टुकड़े के आसपास झालर जोड़ दी गई है, फ्रिल्स लगा दी गई है उसे। देखिए, इसमें बहुत क्लियरली एविडेंट है कि जैसे इस बैग में फ्रिल्स लगी हुई हैं, उसी तरीके से इस माउंटेन के आसपास आपको फ्रिल्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फ्रिंजेस दिखाई दे रही हैं। देयरफॉर सच टाइप ऑफ रीफ इज कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बैरियर रीफ। मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा कोस्ट खत्म हो रहा है, ये लैंड का टुकड़ा है पूरा, इसके आगे से यहाँ ओशन स्टार्ट हो रहा है, तो समुन्द्र में कुछ पार्ट पानी का छोड़ने के बाद इन दिस पार्ट कोरल रीफ विल स्टार्ट एमर्जिंग फ्रॉम द वॉटर। ये एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे कोरल रीफ पानी से बाहर आना शुरू कर देगा। तो लैंड के और कोरल रीफ के बीच में एक पानी की पट्टी दिखाई देगी आपको, जिसे आप शैलो वाटर कहते हो या लगून कहते हो। ये पानी की पट्टी आपको दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि कोरल रीफ जो है वो कोस्ट के पैरेलल रन कर रहा है। कोस्ट ये था हमारा और पैरेलल में यहाँ हो गया ये हमारा कोरल रीफ। सो बैरियर रीफ इज अ कोरल रीफ विच इज रफली पैरेलल टू द शोर एंड इज सेपरेटेड बाय लगून और अदर वाटर बॉडीज। बैरियर रीफ एक कोरल रीफ है जो लगभग एक किनारे के समानांतर होती है और एक लगून या किसी अन्य वाटर बॉडी से अलग की गई होती है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लगून क्या होता है। लगून एक ऐसी वाटर बॉडी होती है, सॉल्ट लेक टाइप का होता है, जो सी से ऐसा लगता है कि अलग कर दिया गया है, सेपरेट हो गया है सी से। वहां पे कुछ पानी, समुन्द्र का खारा पानी फंस गया है ऐसा लगता है, क्योंकि उसके एक तरफ लैंड है और दूसरी तरफ भी लैंड जैसा कुछ कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो पार्ट है इसमें पानी फंस गया है, इसको लगून कहते हैं। देखिए इस फोटो में यहाँ पे आगे जाके कहीं पे ऑस्ट्रेलिया की लैंड है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रिंजिंग रीफ आपको दिखाई देगी, कुछ एमर्जिंग रीफ दिखाई देगी, फिर पानी की एक नदी दिखाई देगी यहाँ पे जो कि है हमारा लगून, उसके बाद यहाँ पे एमर्ज कर रही है हमारी बैरियर रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ, सुपर इंपॉर्टेंट इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स तक स्ट्रेच करती है ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रेच करती है ये। देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप और ये है हमारा ऑरेंज कलर में जो मार्क किया गया है, ये है बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियरली इन दोनों के बीच में कहीं कहीं पे ब्लू डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसी खारे पानी की वाटर बॉडी जिसे देख के लगे कि यहाँ पे समुन्द्र का पानी गलती से फंस गया है, उसे लगून कहते हैं। सो यहाँ पे ये लगून हो गया एक, फिर यहाँ पे ये लगून हो गया। लास्ट ऑफ द टाइप बट नॉट द लीस्ट, बात करते हैं हम एटोल की। होता ऐसा है कि यहाँ पे कोई एक आइलैंड है, उसके आसपास यहाँ पे कोरल रीफ डेवलप करना स्टार्ट कर देती है रिंग के फॉर्म में। धीरे धीरे ये आइलैंड हवा की वजह से, पानी की वजह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है,
पानी के नीचे दबना शुरू हो जाता है, लेकिन कोरल्स जो है यहाँ से ये पानी के ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं। सो हो सकता है कि कुछ समय बाद यहाँ पे कोरल्स की तो एक रिंग बन जाए आइलैंड के बाहर, लेकिन आइलैंड मे भी दिखाई दे और मे भी ना दिखाई दे क्योंकि वो पानी के नीचे दब चुका है। इस टाइप का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसा लगेगा कि कोरल्स ने एक रिंग बना रखी है और बीच में पानी फंसा हुआ है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एटोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। सबसे पहली कंडीशन है कि इन्हें गुनगुने पानी की जरूरत होती है, दे रिक्वायर वार्म वाटर, यानी पानी का टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच का जो पानी है उसे हम ट्रॉपिकल कह सकते हैं। वहाँ पे सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं एंड वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर लैटिट्यूड्स। वहाँ पे आपको कोरल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री के बीच में है। ऑल दो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस कि हाल ही में ठंडे पानी के कोरल्स भी डिस्कवर किए जा रहे हैं जो हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, ठंडे पानी में पाए जाते हैं। अब ये यहाँ का की पॉइंट है कि कोरल जो है वो हमेशा शैलो वाटर में मिलेगा, यानी ऐसे मतलब ज़्यादा गहरे पानी में नहीं मिलेगा। इसका रीज़न हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, ये 200 मीटर की गहराई तक ही मिल सकता है। नेक्स्ट इज कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगा ज़ूज़ैंथली के साथ, यानी जो भूरी काई है। कोरल एक प्राणी है, एक ऑर्गेनिज्म है जो भूरी काई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मूंगा ज़ूज़ैंथली को रहने के लिए घर देता है और ज़ूज़ैंथली बदले में मूंगा को खाना प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेसिस करके। यू सी फ्रेश वाटर विच इज कैरिड बाय रिवर्स, जो नदियां लाती हैं जिसकी लवणता कम हो, वो कोरल्स के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए कोरल कभी भी वहां नहीं मिलेंगे जहां पे नदी का और समुद्र का संगम होता है, यानी कोरल्स विल नॉट बी फाउंड एट द माउथ ऑफ रिवर्स। ताजा पानी मूंगों के लिए हानिकारक है, इसलिए अधिकांश मूंगे, मोस्ट ऑफ दीज, ये नदियों के मुहाने से दूर रहते हैं। कोरल्स जो हैं वो क्लीन सेलाइन वाटर में रहते हैं जहाँ पे कोई रेती मिट्टी ना हो और जहाँ पे पॉल्यूशन भी ना हो, क्योंकि पॉल्यूटेंट या रेती मिट्टी क्या करेंगे, वो दो काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि वो सूर्य की किरणों को अवरुद्ध कर देंगे, सूर्य की किरणों को कोरल तक पहुंचने से रोकेंगे, जिसकी वजह से ज़ूज़ैंथला की फोटोसिंथेसिस करने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। पॉल्यूटेंट्स या मिट्टी के पार्टिकल्स क्या करेंगे कि वो कोरल्स के मुंह में घुस जाएंगे। कोरल्स इस तरीके से, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उनके टेंटाकल्स होते हैं, इन टेंटाकल्स पे उसका माउथ होता है जिसके आसपास सेल्स होते हैं जिनको नेमेटोसिस्ट कहते हैं। अब अगर रेत यहाँ पे मूंगे के मुंह में घुस गया तो वो खाना खाएगा कैसे? मूंगों को तकरीबन 27 से 30 ग्राम पर केजी की सैलिनिटी की जरूरत होती है। लवणता इनको इतनी चाहिए कि समुद्र के 1 किलो पानी में तकरीबन 27 से 30 ग्राम नमक इनको चाहिए। इसीलिए अगर कभी भी तेल रिसाव हो जाता है या फिर मतलब ऑयल स्पिलिंग हो जाती है जिसे कहते हैं, या पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट मूंगों पर पड़ता है। कोरल्स सबसे पहले मरते हैं उसकी वजह से। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि भारत के कौन से क्षेत्रों में मूंगे पाए जाते हैं। सबसे पहला क्षेत्र हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र एंड गोवा कोस्ट। यहाँ पे इतनी नहीं पर थोड़ी बहुत आपको कोरल रीफ देखने को मिल सकती हैं। लक्षद्वीप इज सुपर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि लक्षद्वीप पूरे ही कोरल आइलैंड्स हैं। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पार्क स्ट्रेट, यहाँ पे धनुषकोडी वगैरह के आइलैंड्स हैं, उनके आसपास आपको कोरल्स देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, क्योंकि ये आइलैंड्स कम्प्लीटली ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं इसीलिए कोरल्स यहाँ भी रह सकते हैं। ये तो बात होगी कि भारत में कहाँ कहाँ कोरल्स पाए जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहला रीजन जहाँ पे कोरल नहीं मिलेंगे वो है गल्फ ऑफ कैम्बे। क्यों? खंबात की खाड़ी क्यों? क्योंकि यहाँ पे नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियाँ अपना पानी ड्रेन करती हैं, जिसकी वजह से इस पार्ट में सैलिनिटी कम हो जाती है पानी की, लवणता कम हो जाती है यहाँ पे पानी की, और कोरल सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके अलावा पूरे ईस्ट कोस्ट पे आपको कोरल देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं, रेती मिट्टी, शहरों का पॉल्यूशन, और इसके अलावा फ्रेश वाटर, ये सारी चीज़ें, मीठा पानी वगैरह, ये नदियाँ लेके आती हैं
जैसे कावेरी हो गई, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, गंगा, इन सारे रीजंस की वजह से यहाँ कोरल नहीं मिलेंगे। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट कोरल रीफ। इसके अलावा कोरल ब्लीचिंग एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी लेंदी टॉपिक है वो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई डाउट्स हैं तो जरूर पूछना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज दैट इज व्हाट मोटिवेट्स अस, यू नो। प्लस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।